बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, जो भी साथी आईटीआई के प्रिंसिपल या असिस्टेंट डायरेक्टर, जो ए पोस्ट है हमारी ए ग्रुप या असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइज़र बोलें, जो एडवर्टाइजमेंट 14/2024 के अंतर्गत पब्लिश हुई थी 18 मई को, उसके साथ साथ जो सेकंड पोस्ट थी 91 हमारी, जो हमारी ग्रुप बी पोस्ट थी वो भी एडवर्टाइजमेंट 15/2024 में पब्लिश हुई थी 18/5/2024 को, उनके लिए बहुत ही शानदार खबर अभी सामने आई है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जॉब फेयर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, अप्रेंटिस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं हरियाणा में किसी भी आईटीआई से, तो उस तरह की जानकारी हमारे इस चैनल पे अपडेट की जाती है। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए, जो फिर अप्रेंटिस की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अप्रेंटिस पोर्टल से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कुछ प्रोसेस आपको जानना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्रेंटिस पोर्टल से संबंधित वीडियोज डाली गई हैं, आप उनको देख करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो आईटीआई में ए और बी ग्रुप की पोस्ट निकली थी एचएसएससी के थ्रू, उसके लिए सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। अभी ताज़ा जानकारी आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं कि इसमें कुल 9 पॉइंट है हमारे सिलेबस के, तो वन बाई वन उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट नंबर वन है, इसमें आपको जो तैयार करना सिलेबस वो है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें ये हमारे अलग अलग 5 पॉइंट दिए गए हैं जिनको जिन्हें आपको अपडेट करना है एग्ज़ाम में तैयारी के लिए। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, करंट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट इंडिया, रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमेटी ऑन वोकेशनल एजुकेशन, और है साथ साथ स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसके साथ जो सेकंड पॉइंट हमारा एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, बेसिकली ये हमारे आईटीआई से संबंधित ही पॉइंट हैं। जो थर्ड पॉइंट हमारा वो है स्किल डेवलपमेंट स्कीम, इसमें अलग अलग स्कीम के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये स्कीमें क्या होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों एनएपीएस की एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, तो उसमें एनएपीएस की अपनी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि कैसे नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों 3 पॉइंट बेसिकली हमारे आईटीआई से संबंधित हैं, और जो 6 पॉइंट है वो आपकी टेक्निकल नॉलेज को परखने के लिए डाले गए हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इंजीनियर मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस। इसमें बिल्कुल बेसिक पॉइंट आपके सामने पूछे गए हैं जो आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक ही टेक्निकल पूछा गया, इसमें कोई रफ एंड टफ नहीं है। बिल्कुल आपका 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा एक पॉइंट को क्लियर करने में। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है आपका फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस, थर्मल साइंस ये मैकेनिकल की प्रॉपर्टी है थर्मल, उसके बारे में आपसे वन बाय वन अलग अलग पॉइंट पूछा गया है। सब पॉइंटों में 4 से 5 सब पॉइंट बनाए गए हैं या 6 सब पॉइंट हैं जो बिल्कुल आप 1 सप्ताह में क्लियर कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत बेहतरीन मौका आपके पास, सिलेबस क्लियर होके आ गया। कुछ अति नॉन टेक्निकल पोर्शन का तैयारी कर रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, जैसे मैथ है, जीके है आपकी, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑन वर्कशॉप साइंस। ठीक है, इसमें आपकी फिटिंग, फिटर ट्रेड से संबंधित है, वेल्डर ट्रेड से संबंधित है, मेटल कटिंग, कास्टिंग, अलग अलग टेक्निकल टर्म हैं जो आपसे पूछी गई हैं। इसे नेक्स्ट है आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस का आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये पॉइंट हैं जो आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्कीम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में सीआरओ, सीआरटी, सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन, वीआई करेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिविल का टॉपिक, और सबसे लास्ट है। इसमें कुछ आपके 5 सब पॉइंट हैं जिसमें आपको सिविल के बारे में टॉपिक बताए गए हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों इसमें ये निकल के आई है कि, और ये देखिए 4 तारीख को ही ये सिलेबस
डाला है, यानी कि जैसे ही अपडेट मिली हमने आपको अपडेट कर दिया। इस तरीके से अप्रेंटिस और रोजगार मेल की भी हर जानकारी हम आपको साथ अप टू डेट अपडेट करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि इसमें कहीं पे भी किसी भी सिलेबस के साथ ETC नहीं लिखा, ठीक है। ETC लिखते ही मतलब हो जाता कि सिलेबस कहीं से भी आ जाता है, तो इसलिए बेहतरीन मौका आपके पास सिलेबस को केवल एक पोर्शन में से लेने का कि कितने पोर्शन में से आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। लिमिटेड सिलेबस है और लगभग मैं आपको बता देता हूँ 15 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, फिक्स डेट है, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे गुप्त सूत्र ने हमें न्यूज़ दी है जहाँ से बिल्कुल हमारी 100% क्लियर न्यूज़ आती है। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।